आज हमारे सरकार को गिराने के लिए एक के लिए लोग प्रयास रहे, लेकिन हम लोग एकजुट रहे कि निश्चित रूप से फिर से ये सरकार यहाँ के मूलवासी आदिवासी की सरकार बनानी है। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो शब्द आप देख रहे होंगे कि भाजपा में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी और जो भी लोग हैं वो भाजपा में ही। या मैं झारखंड पे आऊं, या मैं असम में जाऊं, या मैं महाराष्ट्र में जाऊं, जो खुद परिवारवाद में डूबा हुआ है और वैसे लोग परिवारवाद की बात करते हैं तो हंसी आती है। और अगल बगल के राज्यों में वो पैसा देते हैं लेकिन झारखंड के लोगों को नहीं मिलता है। और वो हक अधिकार भी आप ये ऐसे नहीं देंगे, छीनना पड़ेगा और छीनने के लिए हमें एकजुट होकर ताकत बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये लड़ाई हम जीत सके। जैसे किसानों ने काला कानून वापस करने के लिए एक साल तक दिल्ली को घेरे रखा, अब हम लोगों को भी अपना अधिकार लाने के लिए एकजुट होकर के ये राजनीतिक लड़ाई जीतना पड़ेगा। तो कई ऐसे विषय है साथियों जो समय के अभाव में हम नहीं बात कर पा रहे, और यहाँ बहुत हमारे समुदाय के लोग हैं, कोई बिखरे नहीं। देखिए अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये वोट मांगेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, जात बिरादरी की बात करेंगे। ये लोग समाज भी तोड़ते हैं, पार्टी भी तोड़ते हैं, ये लोग सरकार गिराने में लगातार प्रयासरत रहा। आज हमारे सरकार को गिराने के लिए एक के लिए ये लोग प्रयास रहे, लेकिन हम लोग एकजुट रहे। और आज यही वजह है कि पहली बार गैर भाजपा सरकार पूरे साल तक इस राज्य में राज करी है। कोरोना की लड़ाई भी हम जीते, गरीब गुरुआ के हक अधिकार भी गांव गांव पहुंचाने के काम में लगे, और आज पूरे राज्य के गांव गांव से ये खबर है कि निश्चित रूप से फिर से ये सरकार यहाँ के मूलवासी आदिवासी की सरकार बनानी है। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। जिताइएगा ना, 3 नंबर ईवीएम मशीन पर वोट दबाना है, इतना वोट दबाओ कि दिल्ली वालों लोगों का कान का पर्दा फट जाए। धन्यवाद, जोहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह हेरहंज में मौजूद हूं, और हेरहंज में अभी कुछ देर पहले हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनकी जनसभा हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेएमएम के जिलाध्यक्ष हैं लाल मोतीनाथ सहदेव, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही, पहली बार कोई ऐसी सरकार रही भाजपा के बाद जिसने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अब परीक्षा का वक्त है, 5 सालों में कितने काम किए, जनता रिपोर्ट कार्ड मांगेगी, कितना काम हुआ है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, आपका हमसे बातचीत करने के लिए पहले तो शुक्रिया। अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और साथ ही साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, झारखंड में चुनाव अब परवान पर है, नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अब चुनाव को कसना शुरू कर दिया है, लामबंदी शुरू कर दी है। साफ कहा है कि अगर जेएमएम और महागठबंधन की सरकार बनती है तो सारा झारखंड आलम और एक और मंत्री का नाम लिया है कि वो लूट खाएंगे। आपका क्या मानना है सर? ये सब बकवास बात है। जितने भ्रष्टाचारी हैं वो शब्द आप देख रहे होंगे कि भाजपा में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी और जो भी लोग हैं वो भाजपा में ही है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि आज जिनको यहाँ के प्रभारी बनाए हुए हैं उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं था, चाहे वह असम के मुख्यमंत्री की मैं बात करूँ या मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की बात करूँ। तो वैसे वैसे भ्रष्टाचारी तमाम ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर सिद्ध हो चुका है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, केंद्रीय एजेंसियां की कार्रवाई हो रही है, लेकिन भाजपा ऐसा वॉशिंग मशीन बन चुका है कि आप भाजपा में आ जाओ तुम्हारे ऊपर सभी कार्रवाई स्थगित। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप देख रहे होंगे आज आप इस हिरंज के सुदूरवर्ती 5 पंचायत का मात्र यह प्रखंड है, यहाँ जिस तरीके से जनसैलाब जो उमड़ा है, 10,000 से ज्यादा की संख्या में जो लोग यहाँ इस 5 पंचायत से उमड़ करके आए हैं, यह आपको स्वतः दिखलाने का काम कर रहा है कि जनता किसके साथ है। अच्छा सर, एक बात बताइए, हेमंत सोरेन लगातार 5 सालों से ये कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया, जेल भी जाना पड़ा, कोरोना में कोई काम नहीं किया, मुश्किल से माना जाए तो 6-8 महीने में जो काम हुए हैं जमीन पर, लगता है कि वो काम इतने काफी हैं कि आपको जनता फिर से चुन के दोबारा सत्ता में भेज दे? निश्चित रूप से आपके
चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो दो साल कोरोना काल रहा वह किस तरह से कष्टदायक था और हमारी सरकार ने उस कोरोना काल में भी भूख से एक भी व्यक्ति को मरने नहीं दिया। मोदी जी केवल हवाई चप्पल का ख्वाब दिखलाते थे, लेकिन हेमंत जी ने वैसे प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई बाहर गए हुए थे उनको ट्रेन से, अगर पहला ट्रेन कोई चला तो वह झारखंड सरकार ने चलाया, पहला हवाई जहाज से बिना हवाई चप्पल में लेकर के अगर कोई आया तो हेमंत सोरेन ने लेकर के आया। उस समय हमारी सरकार केवल अपने लोगों को बचाने में व्यस्त थी और लोग स्वतः बचने में व्यस्त थे। उसके बाद दो साल तो उसमें गुजर गया, ये आप सब लोग और तमाम साथी जान रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसी के द्वारा डरवाया गया, हर समय हम लोगों को डरवाते रहा गया, तो जब आपके ऊपर आपके दिमागों पे जब इस तरीके का लोड आता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, फिर एक तरफ से आता है कि आज हमको सीबीआई न पकड़ ले, आज हमको ईडी न पकड़ ले, तो काम करने में जो ऊर्जा होती है वो धीमी पड़ जाती है। लेकिन जिस आरोप में हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि केंद्रीय एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का जो निर्देश मिला और उसमें ये स्पष्ट रूप से रहा कि हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगा वो निराधार है, कोर्ट को मानते हैं, कोर्ट में आस्था है, तो इससे बड़ा और प्रमाण हमारे लिए क्या हो सकता है, यहाँ की जनता के लिए क्या हो सकता है। और जब उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो एक नए अवतार में बाहर आते हैं, और नए अवतार में आने के बाद आज चाहे वह 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो या हमारा मैया सम्मान योजना 1000 रुपया जो अभी घर घर पहुंच रहा हो या 2,00,000 रुपये तक का जो हमारा कृषि लोन माफी की बात हो, जब केंद्र सरकार ने 2022 से जब प्रधानमंत्री रोजगार आवास को बंद कर दिया तो मजबूरन हमने हेमंत सोरेन ने अबू आवास ला करके घर घर पहुँचाया, आज यहाँ की बच्चियों को पढ़ने के लिए 8वीं क्लास से जो छात्रवृत्ति हम लोग दे रहे हैं फूलोबाई के तहत, तो कोई योजना ऐसा नहीं है, चाहे वह मैया सम्मान की हम बात करें, बिजली बिल माफी की बात करें, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात करें, अबुआ आवास की बात करें, धोती साड़ी योजना की बात करें, तो घर घर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां हमारा सरकार का योजना नहीं पहुंचा होगा। तो निश्चित रूप से हेमंत जी के प्रति और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति यहाँ के लोगों में विश्वास है और हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। सर, भाजपा कहती है कि तुष्टिकरण की ये सरकार है, बांग्लादेशियों की सरकार है, बांग्लादेशी हैं, हम जब सत्ता में आएंगे उनको बाहर करेंगे। सुधाकर जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं, आप भी पत्रकार बंधु हैं, पढ़े लिखे सब लोग हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि केंद्रीय सुरक्षा सीमा किसके अधीन होता है, क्या वह राज्य सरकार के अधीन है? और शर्म आती है अगर आप सत्ता में केंद्र में बैठे हुए लोग अगर ऐसा आरोप लगाते हैं तो उनको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय सीमा सुरक्षा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो तो वह भारत सरकार के अधीन है, और अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये आपका नाकामी है, तो फिर आप दूसरे के ऊपर में जो ठीकरा फोड़ रहे हैं तो घुसपैठ को तो बढ़ावा अगर आप दे रहे हैं, मेरा यही कहना है। आप हिंदू हैं? मैं निश्चित रूप से हिंदू हूँ, मेरा नाम लाल मोती नाथ सादेव, मैं राजपूत समाज से हूँ। तो भाजपा को क्यों नहीं दे रहे? भाजपा तो कह रही है कि हिंदू सब एक तरफ हो जाएं, बाकी दूसरी तरफ आदिवासी रहेंगे जो जेएमएम को देते हैं, आप हिंदू नहीं है फिर? झारखंड मुक्ति मोर्चा जाति पाति की राजनीति नहीं करती है, और निश्चित रूप से जाति पार्टी की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। जात पात से ऊपर उठ करके जो देश के बारे में सोचे, जो राज्य के बारे में सोचे, जनता उसके साथ है। और मैं आज 25 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें बांटने का कोशिश न करें, झारखंड एक अलग प्रदेश है, यहाँ लोग दिग्भ्रमित में नहीं आएंगे। ठीक है सर, एक बात और बता दीजिए कि परिवारवाद पर लगातार भाजपा आप पे हमलावर है। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा है कि हेमंत जी ने अपनी पत्नी को पागल कर दिया, मेरे घर में रोज लड़ाई हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? बड़ी हंसी आती है सर कि भाजपा अगर परिवारवाद की बात करे, मैं कहां से शुरू करूं? मैं यूपी से शुरू करूं या मैं झारखंड पे आऊं या मैं असम में जाऊं
या मैं महाराष्ट्र में जाऊं, जो खुद परिवारवाद में डूबा हुआ है, और वैसे लोग परिवारवाद की बात करते हैं तो हंसी आती है। आज आप झारखंड में देख रहे होंगे कि दो दो पूर्व मुख्यमंत्री की, किसी की पत्नी किसी की बहू, कोई पूर्व मुख्यमंत्री, कोई पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, कोई उनका सांसद है उनकी पत्नी, कोई उनका बेटा। यूपी से मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, चाहे आप उठा के देख लें पत्रकार महोदय बंधु, आपको स्वतः समझ में आएगा कि परिवारवाद किसको कहा जाता है। और जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं इतना नीचता पे नहीं आऊंगा, पहले उनसे उनके बड़े शीर्ष नेता से पूछिए कि आप ओरिजिनल हिंदू हैं कि नहीं, आपका घर परिवार में सब जगह हिंदुत्व है कि हिंदुत्व खतरे में है, अगर वो हिंदू की बात करते हैं तो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ मोतीलाल शाहदेव थे, साफ साफ कह रहे थे कि हिंदुत्व के नाम पर भाजपा लामबंद अगर वोटरों को कर रही है तो ये गलत है, ये हिंदू हैं और भाजपा के हिंदू नहीं है, ये हिंदू झारखंड के, और झारखंड में इस बार भाजपा जो भी चलाना चाहती है, भाजपा जो भी एजेंडा चलाना चाहती है, भाजपा का एजेंडा इस बार झारखंड में नहीं चलेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।